क्या मेरा गलती है, मेरा गलती है। हमारे साथ राइड पे देखो दो दो नई बाइक जा रही है। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे हमारे। तो काफ़ी दिन हो गए थे अपने को राइडिंग वाली कोई वीडियो अपलोड किए हुए, तो क्यों नहीं कर रहा था उसके पीछे रीज़न था, बिकॉज मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरा माइक ख़राब हो गया था भाई। अरे भाई शूज़ तो पहन, हाँ तो माइक ख़राब हो गया था मेरा, जिस कारण से मोटो ब्लॉग कर नहीं पा रहा था मैं। और अपनी हनली इधर बैठी हुई है बाइक के पास। तो आज हम जा रहे हैं संडे राइड पे, तो काफ़ी दिन हो गए हैं तो आज मज़ा आएगा राइड पे। और एक दो नई बाइक भी आ रही है जो कि हमारे ग्रुप के लड़कों ने ली है, तो चलो दिखाते हैं कि कौन कौन सी बाइक नई आई है हमारे ग्रुप में। तो फ़ोन को मैंने माउंट कर दिया यहाँ पे, और एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों की कि अब आप लोगों को माइक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरी वॉइस क्वालिटी में, बिकॉज भाई इस माइक के लिए मैं दो दिन पहले पटना गया हुआ था, क्योंकि पहले जो मैं माइक यूज़ करता था वो ऑनलाइन परचेज़ करके किया करता था, जो कि सही नहीं था। उसमें एक अलग से अडाप्टर लगा के फिर वो माइक सपोर्ट लेता था गोप्रो में, लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है। अब डायरेक्ट 3.5 mm का जैक मेरे माइक अडाप्टर के साथ अटैच हो जा रहा है। तो ये माइक मैंने बनवाया है हैंडमेड पटना से जाके, जो कि मुझे संतन भैया लोग बताए थे कि कहाँ मिलेगा ये माइक, तो उस हिसाब से मैं गया था और बनवा के लाया था। तो दो दिन पहले ही मैं गया था। जो लोग इंस्टा पर फॉलो कर रहे हैं वो स्टोरी देख के समझ गए होंगे। और ये कॉल आ रहा है भाई हमारे ग्रुप के बंदों का, अरे बाबा हट जाओ। तो एक मिनट में पहले इसका कॉल उठा लेता हूँ। सो भाई फाइनली आ चुके हैं हम मार्केट वाले रोड में, और आज थोड़ा सा लेट राइड शुरू करा है हम लोगों ने। ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं अभी, 7:45 हुए हैं, तो 8 बजे तक हम लोग राज कैंपस पहुंच जाएंगे और फिर वहां से राइड स्टार्ट कर देंगे। सो इतना लेट स्टार्ट इसलिए हुआ है भाई राइड, बिकॉज अभी मौसम चेंज हो रहा है आप लोगों को पता ही है, तो सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता रहता है यार, ठंडा लगते रहता है, तो मस्त अब चादर ओढ़ के सोए रहते हैं फैन चला के। तो ऐसा सीन मेरे ही साथ है, आप लोग के साथ भी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अपने भाई लोग पहुँच चुके हैं, मुझे कॉल कर रहे थे, अभी हम फिलहाल हैं हजमा चौराहा पे, तो अफट से पहले बाइक को खींचते हैं और फिर वहाँ जाके डायरेक्ट मिलवाते हैं आपको सबसे। ओ भाई यहाँ तो लोग यार पता नहीं कैसे रोड पे निकलने लगते हैं, देखते भी नहीं है। क्या भयंकर, आप गाड़ी चलाते हैं ना, इंडिकेटर देते हैं ना कुछ, हो घुस जाते हैं बीच में। क्या मेरा गलती है, मेरा गलती है। मेन रोड पे घुसते हैं, इंडिकेटर कहाँ नहीं देते हैं ना हाथ देते हैं, कहाँ दिए आप हाथ, सब चीज़ रिकॉर्ड है ठीक है, चूतिया मत बनाइए दूसरे को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। देख रहे हो भयंकर, मैं बताते रहता हूँ भाई, लोग इतने खत्म है ना यहाँ के, किधर से भी आके घुस जाते हैं यार। अभी उसके चक्कर में यार मैं गिरते गिरते बचा हूँ। भाई साहब यहाँ तो रिकॉर्डिंग ऑन करके चलना पड़ता है, कौन किधर से आके रेल जाएगा कोई पता नहीं है भाई। मैं बोलते रहता हूँ हर वीडियो में आप लोगों को, इसलिए मार्केट में मैं थोड़ा देख के चलता हूँ। मुझे ही बोल रहा था ऊपर से यार कि कैसे आ रहे हो, कैसे मैं कैसे आ रहा हूँ भाई, कैमरा देख के चुप हो गया वो। अगर मेरे जगह कोई नॉर्मल बंदा होता तो उसे लड़ाई कर लेता वो, मतलब ख़त्म सीन हो रखा है भाई दरभंगा का। कोई ट्रैफिक रूल नहीं, किसी को बाइक चलाने का स्किल नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो रखा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप मारेगा क्या यार मुझे, भयंकर डर ही गया था यार।
तो फाइनली गाइज हम पहुंचने वाले हैं बस राज कैंपस, पहुंच ही चुके हैं। तो बस यहाँ पे अपने भाई लोग अपना वेट कर रहे होंगे, तो अभी चलते हैं, सबसे मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं और फिर निकलते हैं राइड की तरफ। सो लेट्स गो। हाँ, अपने भाई लोग वेट कर रहे हैं, तीन बाइक पहले से आई हुई है। ओ भाई, बाइकों की लाइनअप चेक करें गाइस। ओ भाई, आज तो नई रॉयल इनफील्ड भी लेके आया है एक बंदा। हाँ भाई, पार्टी तो बाकी है और एक ये तो पार्टी तो है। ओ भाई, ड्यूक 250। ओ भाई, सही है। तो भाई आज हमारे साथ राइड पे देखो दो दो नई बाइक जा रही है, एक रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक और आपके बम्बम भाई को भाई। अरे भाई, अभी मैं फुटेज दिखाता हूँ, ठीक है? एक से मरते मरते बचा हूँ मैं खुद। हाँ, मैं आ रहा उधर से सीधा और एकदम से सामने में लगा दिया भाई। हाँ, मैं ऑलमोस्ट 60-70 के स्पीड में, नहीं आगे मेन रोड पे। शुक्र था कि मेरा कैमरा ऑन था, नहीं तो हमको कह रहा था कि तुम्हारा गलती है। हम बोले सब कुछ रिकॉर्डेड है भाई, तब गया है वो। तो भाई आज हमारे साथ राइड पे जा रही है KTM 125, जो कि एकदम नहीं है, ऑलमोस्ट इसको आए हुए 4-5 दिन 10 दिन मान लो, क्योंकि इसका नंबर प्लेट वगैरह देख सकते हो कुछ नहीं लगा हुआ है अभी। और एक आई है रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक और अपने भाई की वर्जन 4 और हमारी वर्जन 3, और एक दो बाइक अभी और आने वाली है, देखते हैं आएगी या नहीं आएगी, नहीं तो हम लोग ही राइड करेंगे। सो इस बाइक के ऊपर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ मिल जाएगा, रिव्यू वगैरह, ऑनरशिप रिव्यू वगैरह, सारा कुछ कितना देती है, क्या कैसा है, क्या निगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, तो वो सारा कुछ मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, देख लेना। तो अभी यहाँ कुछ देर रुकते हैं और फिर निकलते हैं राइड पे। ये देखो भाई, सुबह सुबह इनके साथ बीटी हो चुकी है। ये बाहर आ गया भाई। पैसा बर्बाद पहन चोर, ऐसे चलाओगे भाई? अरे भाई, ऐसे बाइक चलाइएगा अभी हाईवे पे भाई? पहले इसमें नट लगाना पड़ेगा यार, नहीं तो पता चले ब्रेक ही ना लगे और कोई और भी उड़ जाए। तो ये यहाँ से इसका एक क्लिप रहता है ना, वो निकल गया है। तो जब से ये बाइक लिए आपको ब्रेक का ही प्रॉब्लम हो रहा है, स्टैंड का नहीं? एक बार यार इनका स्टैंड का नट गिर गया, और ये देख लो ये वाली नट गिर गई है, तो शुक्र है कि ये रख लिए थे। हाँ चलो, इसको टाइट करवाते हैं और फिर निकलते हैं हम लोग राइड पे। यहीं बाहर करवा लीजिएगा कोई शॉप पे। हाँ तो भाई, ये 350 भी यार काफ़ी सही लग रही है, और एक हंटर रॉयल इनफील्ड के हंटर जिसकी डिलीवरी बहुत जल्द मिलने वाली है, तो वो भी ऑलमोस्ट अपनी ही बाइक होगी, अपने रूम पे ही आ रही है, तो संडे राइड पे हम भी उसको लेके आया करेंगे। तो भाई यहाँ सलमान भाई अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए लड़के लोग को रोक रोक के देख रहे हो, सब्सक्राइब करवा रहे हैं चैनल। बहुत बढ़िया, सो लेट्स गो ब्रो, चलते हैं अभी हम लोग हाईवे की तरफ। तो काफ़ी टाइम बाद आ यार हम लोग आए हैं आज संडे राइड पे, 2-3 संडे तो ऐसे ही चला गया हम लोगों का, कोई राइड नहीं कुछ नहीं। और KTM RC 125 नई वाली जो है ना भाई, उसका पीछे से और आगे से सेम लुक है भाई, 200 390 सबका सेम लुक है, बस इंजन का डिफरेंस है, देख सकते हो कितनी भाई मैसिव लगती है गाड़ी, बगल से तो भाई और ज़्यादा ब्रॉड लगती है ये, एक नंबर भाई, एक नंबर।
और हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, तो अभी चलते हैं हाईवे पे, मस्त राइड करते हैं, भगाते हैं बाइक को। और ये तो भाई बिना ब्रेक के ही बाइक को भगा रहे हैं। ये देखो भाई KTM निकली अपने बगल से। ओ भाई 350 क्लासिक यार, क्या चला रहा है बंदा। ओ मैन बहुत सही यार, सो लेट्स गो। ये देखो 125 फैट टॉप एंड में तो भाई गायब ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी देखने में तो काफ़ी सही लगती है जब बगल से निकलती है। और ये दोनों तो भाई एकदम मस्त आगे भाग गए हैं। हाईवे पे खाली कोई ना आए भाई, फिर कोई टेंशन नहीं है। मैं तो डर ही जाता हूँ बीच बीच में कि फिर से कोई ना घुस जाए आके। और ये बीच बीच में अपने बाइक को ठीक कराने के लिए दुकान ढूंढ रहे हैं, लेकिन बेचारे को मिल नहीं रहा है, क्या ही कर सकते हैं यार। चलो चलो शंभा, ये देखो मैन। ओ भाई 350 लेके देख रहे हैं बंदा को, भयंकर बगलिंग मार रही है भाई बाइक तो। इन लोगों को थोड़ा सा फ्लाई बाई देते हुए भाई साहब 350 वाले बंदे को देख रहे हो कैसे भगाया जा रहा है। थर्टी 32 तक जा पाई, आगे ट्रक्स आ जा रहे हैं यार, जिस कारण से फुल इसका थ्रॉटल देके मैं नहीं चला सकता, पता चले मैं इधर उधर फरक गया तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा खाली रहता है हाईवे, लेकिन इस टाइम पे हाईवे भी बहुत सारी गाड़ियाँ चलने लगती है, तो सारा कुछ देख के चलना पड़ता है भाई मेरे। लेकिन फुल ऑन मज़े आ रहे हैं और सारे बाइकर्स हमारे पीछे ही रह गए हैं। तो भाई यहाँ हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए तंदूर टी काउंटर, जो कि शोभन चौक पे ही है, तो बस चाय वाय पी लिए हैं, अब निकलते हैं, धूप तो यार बहुत ज़्यादा हो गया है। तो भाई फाइनली निकल चुके हैं शोभन से हम लोग, और RC का भाई साइड से लुक दिखाता हूँ मैं एक बार। तो भाई कितनी सही लगती है ना, देखो काफ़ी मस्त है। और इधर 350 बुलेट भी चल रही है, इसका कलर बहुत मस्त है यार, ब्लैक और ग्रे टाइप में। सलमान भाई किसी को ठोक तो नहीं दिए क्या, पता नहीं क्या करते रहते हैं सलमान भाई। लेट्स गो, हमको तो लगा कि उड़ा दिए टेम्पो वाले को। यहाँ थोड़ा सा कॉर्निंग का मजा लेंगे। ओ भाई साहब सही है सही है। और इधर का व्यू देखो मैन, पूरा खुला खुला सा, कितना मस्त लगता है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक कोई घर वगैरह नहीं है, इस साइड इधर तो है कुछ कुछ, लेकिन इस साइड कुछ नहीं है, पूरा खाली खाली। काफ़ी मज़ा आता है इधर राइड करके। ए भाई देख रहे हो, लड़की को देख के लड़का बहुत खुश हो रहा है।
बेचारे की गर्लफ्रेंड नहीं है तो किसी लड़की को देखता है ऐसे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि देखो भाई कैसे जा रहा है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। भयंकर ओ भाई फेल दिया ए भाई अभी तो फेल दिया था मुझे इसने बुलेट से। बुलेट लेकर मार दिया था अभी। भाई लड़की को लेके सुटबुट खो दिया इसने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ तो भाई यहाँ पे ओके भाई, तो हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ और ये बाइक रिपेयर करा के इधर से ही अपने घर चले जाएंगे। तो चलो चलते हैं और थोड़ा सा इस बाइक को चला के देखते हैं और फिर इस ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। चलो ए भाई, हमको लगा हॉर्न काहे नहीं बज रहा, चाबी ही नहीं ऑन किए थे। लेट्स गो ब्रो, ओके बाय। तो चलो निकलते हैं, इस बाइक को भी राइड करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया जाए, कैसा एक्सपीरियंस है इस बाइक को चलाने का। ओ भाई हमारी बाइक आ रही है पीछे, जो कि धीरज चला रहा है और धीरज की बाइक मैं चला रहा हूँ। भाई काफ़ी सही है ये बाइक तो यार, 125 की है लेकिन बैठने के बाद यार लग रहा है कि बहुत बड़ी बाइक चला रहा हूँ मैं, बिकॉज इसका कॉकपिट जो है ना, आगे का मीटर कंट्रोल, हैंडल का कंट्रोल वगैरह सारा कुछ काफ़ी मैसिव है। और ये बगल में अपनी बाइक चल रही है यार, अपनी बाइक भी काफ़ी सेक्सी लगती है देखने में बगल से। जब मैं चला रहा होता तो मैं तो खुद देख नहीं पाता, अभी देख रहा हूँ मैं तो काफ़ी सही लगती है। और ये बाइक की बात करूँ मैं तो ये बाइक भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यार, अगर 125 में अगर कोई लेना चाहता है तो ये बाइक आराम से ले सकता है, बिकॉज जिनको लॉन्ग ट्रैवल करना है, माइलेज भी चाहिए, पावर थोड़ी सी भी कम चलेगी तो उनके लिए ये बाइक सही है। लेकिन जिसको पावर चाहिए तो उसके लिए फिर इसका 200cc वाला वर्जन भी है, तो जाके इसका 200cc वर्जन भी ले सकते हो। तो बस होप करते हैं कि आपको आज के वीडियो में मज़ा आया होगा, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।